जम्मू दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी मनोज सिन्हा ने मंच पर किया सम्मान। पीएम मोदी जम्मू एम्स का करेंगे उद्घाटन, करोड़ों की अन्य परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला, सड़क समेत कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री जम्मू दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बलों के जवान। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी राहत, मानहानि के मुकदमे में दी जमानत। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल ने भरा 25,000 रुपए का बेल बॉन्ड, कोर्ट में बोले निर्दोष हूं। स्थानीय बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया था मुकदमा, 2018 में अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कोर्ट जाने के कारण लगा था ब्रेक, वापस अमेठी में पहुंच के यात्रा को करेंगे शुरू। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गाड़ी पर बैठ के चॉकलेट खाते दिखे राहुल गांधी, लोगों को कर रहे थे ऑफर। दिल्ली में अचानक मौसम ने मारी पलटी, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में तापमान में आई गिरावट, 21 फरवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना। दिल्ली में 22 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना, ठंड से मिलेगी राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने ली करवट, आईएमडी ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के दिए संकेत। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का भी मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा असर, ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात, अब जनरल डिब्बों वाली चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने दी 50 अमृत भारत ट्रेनों की मंजूरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी। अमृत भारत ट्रेन के सभी डिब्बे जनरल होंगे, सुपरफास्ट को लगेगा टिकट। ट्रेन में बैठने के साथ होगी सोने की भी सुविधा, यात्रियों को मिलेगी कई अन्य सुविधाएं। जयपुर में अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्रशासन की भूमिका विषय पे सेमिनार का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने हिस्सा लिया। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा का टीजर रिलीज हो गया है, 15 मार्च को सिनेमा घरों में पर्दे पर उतरेगी ये फिल्म। मुंबई के जुहू में एक्टर कार्तिक आर्यन अपार शक्ति खुराना के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, कार्तिक की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज होगी। यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म आर्टिकल 370 का नया वीडियो जारी, वीडियो में अजय देवगन जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने का कहानी बयां कर रहे। ओडिशा के मयूरभंज में 2 दिवसीय आदि उत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया है, कार्यक्रम में अभिनेता गोविंदा पहुंचे। लंदन में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में फिल्म ओपनहाइमर ने गाड़ा झंडा, बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड्स किए अपने नाम। अवार्ड नाइट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई।